हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, यू वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सिद्धेश नानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को इतने दिनों बाद देख के, या आप लोगों को मेरे को देख के, तो थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर, कीप स्माइलिंग। तो आज की वीडियो ये है कि भाई टोरंटो में रहने के फायदे और नुकसान क्या हैं। पर क्योंकि सब बोलते रहते हैं ना यार टोरंटो से शिफ्ट हो रहे हैं लोग, कैलगरी जा रहे हैं लोग, यहाँ जा रहे हैं लोग, वहाँ जा रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात यह है कि मैं आपको काफ़ी फ़ायदे टोरंटो के और थोड़े से नुकसान जो मुझे लगते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को, और ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी से। टोरंटो जो है वो फाइनेंशियल हब है कनाडा का, तो यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जितनी आबादी जितने बिजनेसेस उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और यहाँ पे जॉब मिलना जल्दी, मतलब ये नहीं कहूँगा मैं कि आपको टीयर जॉब्स वगैरह जो मिल जाएंगी आसानी से, नॉक जॉब्स वगैरह जो होती हैं वो नहीं बोल रहा, पर हाँ आप अपने खर्चे यहाँ निकाल लोगे ईजिली, कुछ भी करके, ऊबर कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करना, रिटेल में काम करना, सेल्स में काम करना, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा, तो आप लोगों को चेप बहुत सकते हो, तो सेल्स बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, आपको सेल्स से पैसे भी बहुत मिलते हैं अच्छे। तो देयर आर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टोरंटो एज कम्पेयर टू डिफरेंट सिटीज। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी ओवरऑल कनाडा में ही बहुत ज़्यादा है, टोरंटो में स्पेसिफिक इसलिए कल्चरल डाइवर्सिटी का पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, पिछले पॉइंट में जैसा बताया था, तो जितने लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत लोग देखे हैं, मैं तो खुद कभी कभी हैरान हो जाता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे कोई भी देख, मतलब कोई भी इंसान देखता हूँ, लड़का या लड़की, तो मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि भाई वो या कहाँ का है, या समझ नहीं आता क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है फक यार मेरी ज्योग्राफी इतनी वो कम है क्या, मतलब मेरे को लोग नहीं पहचान पा रहा मैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा, कभी कभी खुद को भी लगने लगती है कि बेंचों को ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं इतने सारे लोग हैं हमें पहचानने, क्योंकि हमको लोग देखते हैं, जैसे मान लो आप, हमको कोई देख रहा तो हमारे को देख के लोग बता सकते हैं कि ये ब्राउन गाय है या ब्राउन गर्ल है, इंडियन है, या कोई पाकिस्तानी भी समझ सकता है, तो हमें मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। तो हमें भी सिमिलरली दूसरों के कल्चर्स को देख के तो मुझे समझ नहीं आता, कोई कोई आप देख लो, कोई कोई चाइनीज़ भी लगता है, कोई चाइनीज़ मेरे को लगे, मान लो मैं कोई कहूँ बंदा चाइनीज़ है, ठीक है, तो पर क्या पता वो चाइनीज़ ना हो, वो फिलिपिन हो या कोई और भी हो सकता है। तो मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे और ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ अ वेरी बिग पॉइंट इन टोरंटो। अब यहाँ पे आर्ट्स और कल्चर इतना ज़्यादा है ना टोरंटो में कि मतलब इतने सारे शोज होते हैं यहाँ पे टोरंटो के अंदर, और मतलब म्यूज़िक हॉल्स इतने सारे हैं भाई, थिएटर्स इतने सारे हैं, आर्ट गैलरीज इतनी सारी हैं, तो मतलब आपको यहाँ पे बहुत आर्ट कल्चर एंटरटेनमेंट ज़्यादा मिलता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट सिटीज़, तो इसलिए टोरंटो मुझे अच्छा लगता है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वो होती हैं जैसे पार्क्स हो गए, गेम्स वगैरह हो गई, और जो आउटडोर फैसिलिटीज़ होती हैं, जिम्स होते हैं यहाँ पे, कैलिस्थेनिक्स के लिए भी अलग से पार्क्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब बाहर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, रिक्रिएशनल चीज़ें। और जैसे यहाँ पे टैक्स लेते हैं, टोरंटो में टैक्स लेते हैं, तो इसलिए आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। अब मैं सोच रहा था बीच में कि यार मैं कहीं एडमिंटन चले जाता हूँ, कहीं और वहाँ चले जाता हूँ, पर मैंने वहाँ पे, मेरे एक दोस्त है वहाँ से मैंने बात करी, तो वहाँ पे टैक्स नहीं होता, तो जब वहाँ पे टैक्स नहीं होता ना, तो इसलिए जैसे स्नोफॉल होती है तो रोड इतनी जल्दी साफ़ नहीं होती, टाइम लगाती हैं काफ़ी, रोड बंद भी हो जाती हैं, यहाँ पे जल्दी खुलती हैं चीज़ें, यूं 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 खुलती हैं। मैं तो अब डाउनटाउन में रह रहा हूँ, तो डाउनटाउन में तो यूं 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 चीज़ें खुलती हैं, मतलब ऐसा लगता है स्नोफॉल हुई नहीं, ऐसा लगता है मुझे सीरियसली। तो मेरे को लगता है कि टोरंटो इस ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में, मुझे जो कि कॉन्स इतने नहीं लगते, साफ सीधी सी बात, पर मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये मुझे ज़रूर लगता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे रेंट बहुत अभी हाइक करने वाला है 2023 में, और जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ वो ऑलरेडी, मतलब अभी मैं वही अपार्टमेंट रेंट करने जाऊँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस का है, ऑलमोस्ट $3,000 का पड़ रहा है वो, 2895 मैंने पता किया था, तो 2895 टू बेडरूम अपार्टमेंट डाउनटाउन में इतने का पड़ रहा है। तो आप ये देख लो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो जो लोग दूर रहते हैं टोरंटो से वो ये कहते हैं कि भाई हम रहते वहाँ पे हैं और वेकेशन मनाने टोरंटो आते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आप कहीं रहते हो दूर, जैसे आप लगा लो इंडिया में हिसाब कि आप कोई दूर सिटी में रहते हो, ठीक है, आप और आपको मतलब मज़े करने होते हैं तो आपको मेन आना पड़ेगा ना, हब में आना पड़ेगा, तो सिमिलरली
तो लोग दूर दूर रहते हैं, और लेकिन दूर रहने से पता क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सही में बहुत कम होती है। जैसे मान लो अगर मुझे 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेना है यहाँ पे, तो मुझे आराम से 1600 से 1800 मेरे को देने पड़ेंगे, 2000 भी देने पड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1500 तो आजकल स्टूडियो हो चुके हैं, तो बाहर दूसरी सिटीज में 1500 में तो आपको 1 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट ढंग से मिल जाता है, तो आप अच्छे से रह सकते हो, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाती है, इसलिए ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं ट्रैफिक और कंजेशन। यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, पर मुझे कोई सीरियसली फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, और दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है ना कि भाई मैं बता नहीं सकता। जब मेरे को 20 या 27 किलोमीटर गुड़गांव जाना होता था तो मुझे दो दो तीन तीन घंटे लगते थे एक साइड कवर करने में, यहाँ पे मैं 70 से 80 किलोमीटर कवर कर लेता हूँ सिर्फ 40 मिनट में, तो मुझे इतना नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट। यहाँ का ट्रैफिक ट्रैफिक ही नहीं लगता मुझे, सही बताऊँ। पर ये कॉन्स पॉइंट में आता है क्योंकि किसी किसी को लग सकता है, काफ़ी काफ़ी लोग हैं जो अच्छी अच्छी सिटीज से आ रहे हैं या कंट्रीज से आ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक पॉइंट हो सकता है। तो थर्ड, लिमिटेड ग्रीन स्पेस। आप चले जाओ ना दूसरी सिटीज में, वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर टोरंटो में थोड़ा कंपेरिजन थोड़ा कम है, थोड़े पार्क्स वगैरह कम है क्योंकि अब यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, ग्रीनरी है यहाँ पे, पार्क्स भी हैं, पर एज कम्पेयर टू डिफरेंट सिटीज नहीं है। मतलब मैं अब दूसरी सिटी से कंपेयर करूंगा तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा ग्रीनर होगी एज कम्पेयर टू टोरंटो, बट मैं फिर दोबारा दिल्ली से आया हूँ, पॉल्यूशन से आया हूँ। दिल्ली में तो भाई आप नॉर्मल सांस ले रहे हो तो दिन की आप कितनी कितनी सिगरेट्स फूंक रहे हो, वहाँ का पॉल्यूशन लेवल इतना हाई है, तो मेरे को यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे ये भी सही लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। अब आते हैं लास्ट फाइनल पॉइंट के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और आजकल बड़ा ही ज्यादा हाइप्ड अप है, वो है हाई क्राइम रेट। टोरंटो वैसे यूजुअली सेफ है, बट मैं भी काफी दिनों से सुन रहा हूँ काफी चीजें हैं यहाँ पे, जो जैसे लगा लो किसी लड़की को, अभी तो मैंने लेटेस्ट न्यूज सुनी थी यहाँ पे गैस स्टेशन में किसी लड़की को गोली मार दी, फिर अभी थोड़ा टाइम पहले सबवे स्टेशन पे किसी को गोली मार दी, उसे लूट बांट लिया, फिर अभी मैंने रिसेंटली एक और सुना सागा में, मिसिसागा में, कि एक बंदे को लूटा और उसको गाड़ी में ही मार के बंद कर दिया। मतलब काफी सारी चीजें, क्राइम रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग क्राइम रेट है एज कम्पेयर टू डिफरेंट सिटीज। टोरंटो में क्राइम रेट ज़्यादा है, चोरियाँ ज़्यादा, जैसे गाड़ियों की सुनी होगी आपने, साइकिल्स की बहुत चोरी सुनी होगी, तो ऐसे ऐसे वे में टोरंटो थोड़ा आगे है दूसरी सिटी से। पर मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं लगता क्योंकि जो मैं केसेस सुनता हूँ वो काफ़ी काफ़ी रिस्क जॉब्स होते हैं, जैसे गैस स्टेशन में आप रात को काम करोगे तो वो रिस्की है ऑफ कोर्स। US में भी लोग मार देते हैं गोली और वैसे भी कर देते हैं, तो ऐसी ऐसी जॉब्स आप करोगे तो थोड़ा तो रिस्क होता ही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ये सब भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज अबव एनीथिंग, ह्यूमन लाइफ, उनके साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं यार, मतलब तो बड़ा बुरा लगता है वो सब सुन सुन के। सो यही है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टोरंटो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। न्यू ईयर है भाई, नया साल है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी न्यू ईयर। ना ज्यादा बड़े सपने, ना ज्यादा बड़े शौक, बस छोटी छोटी ख्वाहिशें और छोटे छोटे ख्वाब।